मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू आएगा। मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद नहीं की। पूरा मोहल्ला जानता सरदार कैम लिए मेरा मुंह मत खुलो। आप एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पुलिस लाइन से फोर्स लेकर आता हूँ। What the hell is wrong with you? फिर खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? किससे हुई हीरो की मुलाकात? कौन है ये नई लड़की? किससे मिलने वाला है हीरो? किस पर शक हुआ किंग को? तो चलिए जानते हैं क्या होने वाली है इस फिल्म की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है गन फायरिंग की आवाज से और हम देखते हैं कि एक पुरानी दिखने वाली बिल्डिंग में दो तरफ से गोलियां चल रही होती हैं और उसमें एक तरफ होते हैं टाइगर श्रॉफ जो लगातार सामने वाले लोगों पर वार करते रहते हैं। ये सुन वो आदमी दबी हुई आवाज में बोलता है, खुद को हीरो बोलता है लेकिन विलन से कम नहीं है। ये सुन हीरो यानी टाइगर मुस्कुराता है और उसके सिर पर बंदूक रख गोली चला देता है और ये देख हीरो के पीछे खड़ी एक लड़की जिसके हाथों में गन है वो थोड़ा सा चौंक जाती है और फिर उन गुंडों का सरदार बोलता है, अब हम किंग और हीरो के आदमी हैं, उनके लिए अपनी जान भी दे देंगे। ये सुन हीरो बोलता है, स्मार्ट डिसीजंस बॉय। फिर वो उस लड़की से बोलता है, कम विथ मी डार्लिंग। अब वो दोनों उसकी गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं और गाड़ी में हीरो उस लड़की से पूछता है, जब कल तुमने बताया कि तुम हमारी गैंग का हिस्सा बनना चाहती हो तब मैंने सोचा कि अगर तुझे एक शो डाउन दिखाऊंगा तो खुद डर कर भाग जाएगी, बट आई एम इम्प्रेस्ड, क्या गोलियां चलाई है आज। तब हीरो उसकी ओर देखते हुए उससे पूछता है, बाय द वे व्हाट्स योर नेम। तब वो लड़की यानी तारा सुतारिया बताती है, आई एम अलीशा मलिक। और फिर वो दोनों आ जाते हैं एक मैंशन में जैसे दिखने वाले घर के बाहर और हीरो अलीशा को लेकर अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाते हैं सामने बड़ी चेयर पर एक आदमी फुल्ली सूट बूट में बैठा होता है और हीरो उससे कहता है, किंग मीट अलीशा मलिक। और किंग यानी संजय दत्त अलीशा के सामने देख मुस्कुराते हैं और अलीशा भी मुस्कुराती है और किंग बोलता है, हीरो उस कल के आए ड्रग्स डीलर और हमारे गद्दार को मारकर तुमने तो आज मेरा दिल जीत लिया है। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और किंग धीरे से बोलता है, अलीशा मलिक नाम तो कुछ सुना हुआ है, आखिर है कौन ये लड़की, आखिर क्या है उस लड़की का राज। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और तब तक के लिए हमें ये जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है क्या होगा आगे।